जो डिक्शनरी है दैट इज ए कलेक्शन एंड वी नो दैट इन पाइथन देयर आर टोटल फोर टाइप ऑफ कलेक्शंस. ठीक है, वन इज स्ट्रिंग, सेकंड इज टपल, थर्ड इज लिस्ट एंड फोर्थ वन इज डिक्शनरी. तो व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्शन, बिकॉज वी कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन दी वेरिएबल. Otherwise, by default, we can carry only one value in the variable. For example, x is equal to 10. But whenever we are storing multiple values in a variable, that is called collection. Okay? For example, अगर हम list बनाते हैं, तो multiple values आती हैं. And when we create a tuple, again multiple values. और जब आप स्ट्रिंग लेते हो अगेन यर मल्टीपल वैल्यूज जी ओ ओ डी. ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज आते हैं, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कलेक्शंस. क्लियर हो गया. और हमने ये भी डिस्कशन में किया था कि जो आपके पास लिस्ट टप्पल और स्ट्रिंग काफी आपस में इनकी सिमिलर हैं ड्यू टू दी दीज आर ऑर्डर्ड. ठीक है, व्हाई ऑर्डर्ड, वी यूज इंडेक्स. ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का आप इंडेक्स असेस कर सकते हो. एक्स जीरो, जी जीरो है तो जी है यहाँ पे. एक्स जीरो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट जीरो लोकेशन के ऊपर फर्स्ट है. अगर हम x1 करते 44 होता, x2 करते 2 होता. ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग है. पर इन द केस ऑफ डिक्शनरी देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, ओनली की वैल्यू कॉम्बिनेशन. क्लियर, इट मींस जो आपके पास इंडेक्स है इन द केस ऑफ लिस्ट एंड टपल एंड स्ट्रिंग, सेम वर्क इज ऑफ की. बट इंडेक्सिंग आर प्रीडिफाइंड. प्रीडिफाइंड का मतलब ये है कि एक्स हमारे पास इन केस इफ आई एम टाइपिंग हियर एक्स इज इक्वल टू दिस इज अ लिस्ट. मुझे पता है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये जीरो के ऊपर है, सेकेंड एलिमेंट वन के ऊपर है, फिर टू के ऊपर है. और अगर मैं यहाँ पे x जीरो लिखूंगा तो व्हाट विल बी द आंसर? यस, व्हाट विल बी द आंसर? 10. क्लियर, एंड इफ इट इज x 1 20, देन x 2 30. सो दीज इंडेक्सिंग इंडेक्सेस आर प्री डिफाइंड. ठीक है, प्री डिफाइंड है. अगर मैं यहाँ पे टप्पल कर देता तब भी सेम होना था. ठीक है, अगर स्ट्रिंग ले लेता तब भी उसकी इंडेक्सिंग होनी थी. दिस इज जीरो, दिस इज वन टू थ्री. और अगर मैं डिस्प्ले करता एफ वन, यस बेटा क्या आता है यहाँ पे? देयर इज फोर. ठीक है, क्योंकि ये इसका फर्स्ट लोकेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. इट मींस एफ जीरो के ऊपर जी है, एफ वन के ऊपर ओ है, एफ टू के ऊपर ओ है, एफ थ्री के ऊपर टी है. ठीक है, सो दीज इंडेक्सिंग इंडेक्सेस आर प्री डिफाइंड. बट इन द केस ऑफ डिक्शनरी दीज आर नॉट प्री डिफाइंड, वी विल हैव टू डिफाइन. ठीक है, कैसे डिफाइन करते हो आप? Suppose dictionary is student. Curly brackets start. तो यहाँ पे कोई indexing तो है नहीं, तो आम नहीं देनी है. Suppose number 34 colon. ठीक है, marks is 78. Here 34 is a key and 78 is a value. ठीक है,
और इफ आई एम यूजिंग योर 45 कॉलन 99 कॉमा 23 कॉलन 45. तो विद द हेल्प ऑफ दीज कीज वी विल हैव टू असेस द एलिमेंट्स. लिस्ट में तो 0, 1, 2, 3 गिवन है, तो यहाँ पे नहीं गिवन, यहाँ पे हमने खुद डिफाइन किया है. ठीक है, तो इफ आई एम यूजिंग योर स्टू स्क्वायर ब्रैकेट में 34 तो क्या डिस्प्ले होगा? 78. ठीक है, इट विल डिस्प्ले 78. इफ आई एम यूजिंग स्टू 23 इट विल डिस्प्ले 45. कंसेप्ट इज क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड की एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यू. तो इट इज नॉट ऑर्डर्ड. Why not ordered? Because in indexing these are 0, 1, 2, 3, 4, 5. Here I am taking 34, then I am taking 45, then I am taking 23. That means there is no any order. So that's why it is called unordered. So list mission hai, hai collection hai, but unordered collection. Isme indexing nahi aati. Any doubt in this one? Navya, any doubt? Now, yesterday we discussed the key must be immutable in nature. ठीक है, key immutable nature उसे होनी चाहिए. So now tell me which data type can't be the key. कौन सी data type key नहीं बन सकती जो mutable हो? Number one is list. Number two is dictionary. These can't be. Which one? Can't be list, key. ये key नहीं बन सकती, value बन सकती, key नहीं बन सकती. Now next is कुछ हमने यहाँ पे एक dictionary declare करते हैं. Student, this is called if I am starting curly bracket and closing curly bracket, this is empty dictionary. कौन सी dictionary बन गई बेटा? Empty. If I press enter key, stu, empty. This is a dictionary. Clear? Ab suppose I want to add element in the dictionary. Agar aapne aapke paas list hoti तो आप अपेंड फंक्शन लगाते, एक्सटेंड फंक्शन लगाते, इंसर्ट फंक्शन लगाते. हियर सिंपली व्हाट यू विल डू, यूज डिक्शनरी नेम. हमने की लेनी है यहाँ पे. सपोज की इज रोल नंबर 3 इज इक्वल टू मार्क्स. इट मींस यू आर गोइंग टू ऐड वन एलिमेंट. ठीक है, आई प्रेस एंटर की, वन एलिमेंट इज S2 बंद कर दिया था. S2 1 इक्वल टू मार्क्स इज वन एलिमेंट इज एट. ठीक है, इन द सेम वे S2 5 इज इक्वल टू एंटर. Two elements are added. Clear? Okay. Now, in case, suppose I add one more. So, 3 elements are added. Now, in case I am using to add one more element, but my index is already, my key is already in the dictionary. 5 dictionary mein hai. Clear? अमित ये है ना, 5 यहाँ पे है. ठीक है, तो अगर आप इसी के से फिर से करोगे तो वैल्यू विल बी अपडेटेड. ठीक है, इफ बिकॉज की इज यूनिक, की यूनिक होनी चाहिए. रेपिटेशन में यूनिक की में रेपिटेशन नहीं हो सकता. इफ आई एम यूज आई हैव यूज वन, नेक्स्ट टाइम में वन यूज नहीं कर सकता. रेपिटेशन नहीं हो सकती, यूनिकनेस है. की हमेशा यूनिक रहेगी, जस्ट लाइक योर रोल नंबर्स, जस्ट लाइक योर एडमिशन नंबर. अब हमने इस टू को किया, ये अपडेटेड हो गया. क्लियर?
Now, if I'm using stu dot keys, it will display, this is a method that display only keys value. ठीक है, तो हमने अपनी डिक्शनरी में क्या क्या यूज किया है, 1, 5 and 7, दीज आर द कीज, 1, 5, 7, ठीक है. और जब भी हम वेरिएबल नेम डॉट कोई भी मेथड लगाते हैं, दिस इज ए मेथड, अगर डॉट के साथ वर्ड आ रहा है दैट इज कॉल्ड मेथड. ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा, लेंथ इज अ फंक्शन, लेंथ ये बताएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, बिकॉज 3 एलिमेंट्स, 1, 2, 3. So this is a function, but this is a method. So difference दोनों में यही है. If I am using here stu dot values, it will display only values. Okay, clear? Quickly implement this video. But side by side, apply these. Yes, online students, any doubt better? There is another method get. So I am, if I am using stu dot get 7. So 7 is a key. 7 is a key. 7 ki beta value kya hai? It is 88. Okay. To get 7, answer is 88. But what happened agar key na ho isme? Get 10. So there will be no any error message. Only empty. Blank. Okay. It will not display. So get method, values method, keys method. चलो एक और method करते हैं. Another method is I use one variable x. ठीक है, stu dot two is here dictionary, हमारी dictionary. ठीक है, तो we are using here items. ठीक है, I press enter key. Now if I display x, तो x में key value combination आ जाएगा बेटा. ठीक है, आप ये ऐसे भी कह सकते हो stu dot items, तो key value combination आ गया, key भी बताएगा value भी. If we use items, stu items, any doubt in this? Okay, implement the colors. Stu dot items, it will show the complete value. चलो एक और नेक्स्ट करते हैं.
एनी डाउट? चलो हमारे पास एक डिक्शनरी है टू, ठीक है, वैल्यूज आर देयर 157. एक हमारे पास एक और डिक्शनरी हम बना रहे हैं, टू वन इज इक्वल टू 8 9. तो हमारे पास दो डिक्शनरीज है, डिक्शनरी है वन इज, वी हैव टू डिक्शनरीज, वन इज टू, अनदर इज टू वन. ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई एम यूजिंग टू डॉट अपडेट, ब्रैकेट में ले लिया टू वन. ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, फर्स्ट लिसन बेटा, टू वन में हमारे पास वैल्यू है 8 एंड 9. ठीक है, हमने यूज किया टू, टू इज अ डिक्शनरी, इसमें वैल्यू है 157. इस डिक्शनरी को मैंने अपडेट करना है. क्या करना है? अपडेट. ठीक है, किसमें से अपडेट करना है? टू वन से. इट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ टू वन विल बी एडेड इन टू. ये अब देखो टू में कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 157 है. ठीक है, अब इसमें कौन से ऐड हो जाएंगे? 9 और 10 इसमें ऐड हो जाएंगे टू में. ठीक है, मैंने इंप्लीमेंट कर दिया एंड स्पेस टू, ये देखो 8 एंड 9 बीच में. तो सिंटेक्स क्या है, जिस डिक्शनरी में आपने ऐड करना है उसको लेना है, देन अपडेट, और किस डिक्शनरी में से लेना है वो आपने टाइप. तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड डिक्शनरी विल बी एडेड इन वन फर्स्ट डिक्शनरी. दिस इज फर्स्ट डिक्शनरी, दिस इज सेकंड, सेकंड के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्शनरी में ऐड हो जाए. ठीक है, अच्छा एक और काम करते हैं, इसमें एक डिक्शनरी एक टू बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इंडेक्स सेम कर देते हैं. यस बेटा. सर स्टूडेंट जो लिस्ट वन सेकंड लिस्ट वो गायब हो जाएगी फिर? नहीं, वो इट विल रिमेन एज इट इज बेटा, इट विल रिमेन एज इट इज, बट द फर्स्ट लिस्ट चेंज्ड, इट इज अपडेटेड, न्यू डिक्शनरी, न्यू बन गई बेटा. ओके, क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग टू टू कर्ली ब्रैकेट. बेटा मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं 9. अभी इधर देखो, ऑलरेडी एलिमेंट है 9. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे की को रिपीट कर देता हूँ. की मैंने कर दी रिपीट, और मुझे पता है कि डिक्शनरी में कीज आर यूनिक, तो सेम नहीं हो सकती. अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसको अपडेट करूंगा टू को, डॉट अपडेट, कहां से अपडेट करना है? टू टू से. अब ये देखो कि हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई. क्लियर? इफ ही इज ऑलरेडी देयर, वी नो दैट अपडेशन विल बी देयर. अगर ये की ना होती यहाँ पे, 9 नहीं होता तो ऐड हो जाता, पर अगर नहीं है, अगर है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी. कोई इसमें डाउट? इंप्लीमेंट करो बताओ, इंप्लीमेंट. Thank you.
Okay, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग वन प्रोग्राम. ओके, इन दैट प्रोग्राम वी विल ऐड सम एलिमेंट एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू एनी कंडीशन वी विल डिस्प्ले द डाटा. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट गेटिंग 90% और अबव मार्क्स. ठीक है, उसको डिस्प्ले करें. In case we want to add the element in the dictionary, there is no any method. Simply, हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगा के सेट करना पड़ेगा. तो we declare first take one n. N means number of elements from user. We will declare one empty dictionary. Then for I in range n, the loop will be executed n time. ठीक है, अगर 5 है तो 5 time loop चलेगा. We take rule number. Then we take marks. और अगर आपने कोई भी डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड करना है तो इरेज नेम ऑफ द डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हो की कौन सी, इसमें रोल नंबर और मार्क्स. रोल नंबर आ रहे हैं और आफ्टर लूप इफ आई डिस्प्ले प्रिंट डिक्शनरी. ठीक है, आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड रन दिस. हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सपोज इट इज ए 4, रोल नंबर एंड मार्क्स. Then roll number, marks. Okay. Up. The question is, display only those the only students having more than 90% marks. हमने एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर की, फिर हमने एलिमेंट कैसे ऐड किया, डिक्शनरी नेम आरएन, आरएन क्या की, तो सपोज यूजर ने 1 इनपुट किया है तो 2 1 1 की बन गई, मार्क्स उसकी वैल्यू बन गई. तो इन सेम वे जितने भी आपने 5 है तो 5 एलिमेंट्स विल बी एडेड, 4 है तो 4 एलिमेंट्स.
यहां तक हो चुका है, एनी डाउट? आगे हमने डिस्प्ले सिर्फ करने हैं ओनली दो स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा लूप, फोर आई इन स्कूल, और नव्या टेल मी आई में क्या आएगा? स्कूल, देखो वी विल ऐड फोर एलिमेंट्स, ठीक है? अब फोर एलिमेंट ऐड करने के बाद इफ आई एम यूजिंग फोर आई इन स्कूल, आई में क्या आएगा? कौन सी वैल्यू? इट विल बी की और वैल्यू? की आएगी, यस की आएगी, कल मैंने ये करवाया हुआ। आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, फोर स्टूडेंट, ठीक है? एंड इफ आई एम यूजिंग हियर, अब क्या आएगा? अब वैल्यू है, ठीक है? वैल्यू, तो हमें वो वैल्यू डिस्प्ले करनी है जहां पे वैल्यू 90 और अबव 90 है। अपने सिंपली ये आपकी कंडीशन बता देनी है, इफ स्टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन यू वांट टू डिस्प्ले। अब हमने वहां पे डिस्प्ले करना है वैल्यू, ठीक है? आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, फोर स्टूडेंट्स, रोल नंबर वन हियर एंड मार्क्स, क्लियर कंसेप्ट? ठीक है, आई में क्या होगा बेटा? इट विल टेक दी वेल, आई आई जो होगा वो इसमें से कीज उठाएगा डिक्शनरी में से, ठीक है? तो जैसे उसने फर्स्ट की उठा ली वन, क्या बन गया? टू वन मीन वैल्यू, अगर ये वैल्यू आ गई, ठीक है? अगर वो वैल्यू 90 से अबव है डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डिस्प्ले होगा। But here I am making very very small statement. आमिर दाना इसमें से इसकी output क्या है? ठीक है? First is I display B. Yes, beta, what will be the result? Garab, the answer. Yes, Rish. It will generate error beta. Reason is here key is a list and mutable data type can't be key.
ठीक है, उसको हम की नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। ये देखो आप सिंपली कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने इसको कोडिंग को ना अच्छे से देखा करो कि हमने जो कंसेप्ट्स किए हैं अकॉर्डिंग टू दैट ये इंप्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, tell me which error in this, sir? Keys nahi hai. Yes, keys humne define nahi ki, ye humne kya kar diya, sirf define values, we have not given the key, so it will generate a error. पर एरर की जगह आपके पास आप ये कह सकते हो कि आपने एक मिस टू कैप्चर पिक किया था। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं आपके पास में ये आपकी पता क्या आएगी, वेट बेटा ये कीज आएंगे, वैल्यूज आर प्लान, ठीक है। ये मोड लिखो बेटा, वन मोड, वन मोड बेटा, वो कीज रिपीट नहीं हो सकती ना, दैट्स व्हाई सिंगल टाइप, ठीक है बेटा। राइट डाउन वन नोट इसको, हाँ इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट।